आखिर कैसे बढ़ाया करण कुंद्रा ने अपने फैंस का एक्साइटमेंट, वो भी लॉकअप को लेकर। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा पोज। जब से ये खबर आई कि करण कुंद्रा जेलर बन के जाने वाले हैं लॉकअप में, तब से ही लोगों का जो एक क्रेजीनेस है उन्हें लॉकअप के अंदर एज अ जेलर देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया था। और कल के दिन हमने लाइव में देखा कि कैसे करण कुंद्रा आए थे जेलर के अवतार में और बहुत ही हॉट लग रहे थे। और उसके बाद उन्होंने एक एक करके कंटेस्टेंट से बात की, रूल समझाए, वो सारी चीजें उन्होंने टास्क वास्क खेले। अब ये एपिसोड में आने वाला है और आज के एपिसोड में ही आएगा, तो उसके बाद से ही अब फैंस चाहते हैं कि कब एपिसोड आए और एपिसोड में हम देखें। और उसके लिए तैयारी भी बकायदा फैंस ने कर दी है कि हम इस तरीके से व्यूज बढ़ा देंगे, टीआरपी दे देंगे लॉकअप को कि देखो करण कुंद्रा आए तो हमने टीआरपी बढ़ा दी। क्योंकि कल ऐसा ही हुआ, जो लाइव में करीबन 2 लाख लोग देखते थे वो सीधा 5 लाख से ज्यादा लोग देखने लगे लाइव। और कुछ आज ऐसा ही एपिसोड के साथ भी होने वाला है, तो काफी एक्साइटमेंट है। उसी एक्साइटमेंट को बढ़ाया है करण कुंद्रा ने पिक्चर्स शेयर करके। जी हाँ, जो जेलर के अवतार में आए थे उस अवतार से उन्होंने कई पिक्चर्स शेयर किए हैं और बहुत ही मतलब हैंडसम लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, आई एम स्पीचलेस। जी हाँ, कुछ शब्द नहीं मिल रहे क्योंकि इतने गुड लुकिंग, हॉट, सब उनके लिए तारीफें कम पड़ रही हैं, तो इस तरीके से वो नजर आ रहे हैं, ये देखिए। तो और उसके साथ उन्होंने कैप्शन में भी ये लिखा है कि ओनली व्हेन इट इज डार्क इनफ कैन यू सी द स्टार्स, सम फोकस ऑन व्हाट दे कैन टेक एंड सम ओनली ऑन गिविंग। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम सामने वाले से क्या कुछ ले लें, और कुछ लोग होते हैं कि बस अपने दिल से जो भी है वो देते रहते हैं। तो ये बात कैप्शन में लिखी है करण कुंद्रा ने, और इसी तरीके से उन्होंने अपने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। तो कितने तैयार हैं आप आज के लॉकअप के एपिसोड के लिए, हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और देखते रहिए फीफा फोर्स इसी तरीके के अपडेट्स के लिए।